नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सभी लोगों का इस क्लास में। पहले हमने लैब असिस्टेंट की प्लानिंग की बात करी, सफलता आप लोगों की द्वार पर थी और हमारे साथ में थी। और इस बार फिर से हम बात कर रहे हैं रीट की। रीट की प्लानिंग यानी कि सीधी सी बात है कि रीट में किस प्रकार से सिलेक्ट होंगे या हम रीट सेकेंड लेवल को या फर्स्ट लेवल को किस प्रकार से पास आउट कर पाएंगे। देखिए, एक लंबी सी प्रक्रिया है, उस लंबी सी प्रक्रिया में रीट को पास करना है। सीधा सा ख्वाब है पास होना है, और अगर पास होना है तो जिन लोगों को रीट से अपने को लग रहा है कि मैं रीट पास आउट करनी है, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं रीट की। और रीट में हमारे पास में लेवल जो है, लेवल जो आती है वो आती है हमारे पास में, लेवल है मेरे पास में सेकेंड लेवल की, यानी कि कक्षा छठी से लेकर आठवीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए आप लोगों को रीट का द्वितीय लेवल यानी कि द्वितीय स्तर पार करना होता है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और एक ही हमारे पास में विज्ञान। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं यानी कि विज्ञान और गणित लेना चाहते हैं, जो लोग क्या लेना चाहते हैं, विज्ञान और गणित लेना चाहते हैं, इनमें से 30 प्रश्न आपके गणित के आएंगे और 30 प्रश्न आपके विज्ञान के आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? 30-30 प्रश्न दोनों में से आ रहे हैं। गणित में से कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न। और विज्ञान में से कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न का अंक भार एक होगा, यानी कि 30 नंबर तो होंगे विज्ञान के और 30 ही नंबर होंगे गणित के। आखिरकार विज्ञान में 30 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो आपके ज्ञान का परख भी होता है, यानी कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी एक आप अच्छे टीचर बन पाएंगे। और अगर आपको अच्छा टीचर बनना है तो उसके लिए एक सिलेबस है हमारे पास में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा, वहीं से हमको क्या होगा आगे की जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए, विज्ञान का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला उसमें टॉपिक दे रखा है सूक्ष्म जीव। क्या दे रखा है? सूक्ष्म जीव बहुत महत्वपूर्ण है ये सूक्ष्म जीव। इस टॉपिक के अंदर आपको कवक, जीवाणु और वायरस यानी कि विषाणु, कवक, जीवाणु और विषाणु, इन तीनों के लाभ और हानि की आपको स्टडी करनी है। तो इकाई पहले में हम क्या से कह सकते हैं कि कवक, जीवाणु, विषाणु, इन सब का लाभ भी देखनी है और हानि भी देखनी है। देखिए, लाभ और हानि दोनों पढ़ना है, लाभ और हानि दोनों पढ़ना है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जीवाणु, कवक के विषय में पूरा अध्याय आपके लेक्चर लेकर मैंने 1 से लेकर 3 के बीच में मैंने कवर करवाया है इसी YouTube चैनल पे। उसकी लिंक भी मैं नीचे शेयर करूँगा, वहाँ से आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। और विषाणु के बारे में भी बात करी है मैंने, वायरस के बारे में भी मैंने, जीवाणु के बारे में बात भी करी है। और अब जो है वो हमारा व्याख्यान 7 आएगा, उसमें जीवाणुओं से होने वाले लाभ की बात करनी है और हानि की बात करनी है। जीवाणुओं की लाभ और हानि की बात व्याख्यान 7 में करूँगा। उससे 1 से 6 तक मैंने वीडियो आपके लिए पहले लेक्चर दे रखे हैं, उनको आप अच्छे ढंग से स्टडी कर लें, वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ये तो बात होगी पहले लेक्चर की। दूसरा है सजीव, दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है सजीव। देखिए, सजीव आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ भी रखा है। अच्छा, सूक्ष्म जीव कहाँ से पढ़ें, ये हम टॉपिक आता है सूक्ष्म जीव, ये आप कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपको पढ़ने की 3 तरह की स्टाइल बता देता हूँ। पहले हमारे पास सोर्स कहाँ होने चाहिए, जो स्रोत है वो कहाँ होने चाहिए। एक तो आपके पास में पाठ्य पुस्तकें जो आती हैं, है ना, वो है 6ठी क्लास 7वीं क्लास 8वीं 9वीं और 10वीं। ये पाठ्य पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जीव विज्ञान को डीप में पढ़ना चाहते हो तो मैं कहूँगा आपको कि 11th और 12th, अगर आपकी बायोलॉजी रही है सब्जेक्ट में, तो 11th और 12th को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। यह आपके लिए प्लस पॉइंट होगा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी नहीं हैं तो हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए आप, इतना तो मैं आपको कर ही दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो सके। दूसरा आपको करना होगा, जो भी आपके पास में गाइड है, एक अच्छी सी गाइड जो आपको मार्केट में जिसमें लगता है कि मार्गदर्शन दे रखा है। देखिए, कठिनाई की ओर नहीं बढ़ना है हमको, हमें थोड़ा सा सरल करना है। और किसी गाइड वाले ने पहले से मेहनत कर रखी है तो उस मेहनत को क्यों ना हम उपयोग में लाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गाइड मत पढ़िए, मैं कहता हूँ कि गाइड भी पढ़िए, देखिए उसमें कोई बुराई नहीं है, है ना। तो
तो आप गाइड, जो भी गाइड आपको समझ में आए, अब आप क्वेश्चन करेंगे कौन सी पढ़ें, तो मैं कहूँगा जो भी आपको समझ में आए एक बार, ऐसी हो जो विश्वसनीय नाम रखती हो तो वो पढ़िए आप गाइड, उसके साथ में आप पाठ्य पुस्तक रखिए, है ना। तीसरा काम आपको करना होता है कोचिंग का, कोचिंग का। देखिए कोचिंग के, अगर आपके पास में इतना समय है कि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, जहाँ पर भी आपके आस पड़ोस में कोचिंग सेंटर हैं वहाँ जाइए, इसके विषय में पढ़िए और बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। ज़िंदगी में वापस पढ़ने का मौका मिले ना मिले, एक ही बार में क्लियर कर लीजिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोचिंग अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे ढंग से कीजिए, वो आपने जो एक रुपया भी उनमें लगाया है उसका अपना 100% खींच के निकालिए और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए अगर आप कोचिंग कर सकते हैं तो। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए, पाठ्य पुस्तकें पढ़िए जो आपके पास में अरबी एससी की हैं, और आप गाइड भी पढ़ सकते हैं, ये आपके पास में होंगे। रही बात नोट्स की, अब आप कहेंगे सर नोट्स क्या कहेंगे, नोट्स आपको खुद तैयार करने होते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है या हम नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको नोट्स सेंड करता जाऊँगा। उसके लिए सीधा सा प्रोसेस है, अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लिखिए YT, फिर लिखिए RT, स्पेस दीजिए और फिर आपका नाम लिखिए। यदि आपका नाम राम है तो राम लिखिए, श्याम है तो श्याम लिखिए, जो भी है। और ये मेरे मोबाइल नंबर हैं 9928544989। मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास में नोट्स पहुँच जाए। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि किस क्लास के नोट्स होंगे, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमें ये लेना देना होता है कि वो कितने अच्छे हैं, अगर वो बढ़िया लगते हैं मुझे तो मैं आपके पास अवश्य पहुँचा दूँगा। और अगर बायोलॉजी के चाहिए तो मेरे खुद के रचित होंगे तो मैं वो दे ही दूँगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये हमारे पास में पाठ्य पुस्तकें होंगी, गाइड भी होगी, अगर आप कोचिंग करें तो बेस्ट है। उसके साथ साथ में ये सब करने के साथ में एक कोई भी अच्छा सा यूट्यूब चैनल ढूंढिए, अच्छा सा मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूब पे कोई अच्छा ढंग का ढूंढने निकलेंगे, एक खोजेंगे 50 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे। एक ही टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विरोधाभास की बात कर रखी है, तो ये ढूंढिए कि उसके व्यूज़ कितने हैं, कोई ढंग की चीज़ पढ़ा रहा है, अगर लोग उसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। और अगर मान लो उसके व्यूज़ इतने नहीं हैं लेकिन पढ़ाने की स्टाइल अच्छी है और आप में भी वो चीज़ की समझ है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का पॉइंट है और इसने बढ़िया पढ़ाया, मेरे को समझ में आ रहा है, तो उस चैनल से जुड़ जाइए। अब मैं यहाँ पर एक बात और कह देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो भी बेस्ट लगे उससे जुड़ जाइए, है ना। तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अगर आपको मेरा चैनल में दम लगता है तो आप जुड़ ही जाएंगे, मुझे पता है, और अगर नहीं लगता है तो आप देखिए मज़े कीजिए। अब हमारे पास में पाठ्यक्रम की बात हो गई, मैंने आपको एक चौथी राय दे दी कि आप YouTube पे जाइए और क्या कर लेंगे, YouTube में से किसी ऐसे चैनल को सेलेक्ट कीजिए जो भले हो आपको मैथ्स पढ़ा रहा हो, भले आपके लिए बायोलॉजी ला रहा हो, या फिर अगर वो बालक विकास और उसकी बात कर रहा हो, बाल विकास की बात कर रहा हो, तो उन चैनल को सेलेक्ट कर लीजिए और उन पे बार बार चेक करते रहिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं और वो जो टॉपिक कंप्लीट कर रही है लगे हाथ, आप भी कर लीजिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने खुद की अधूरे या पूरे जैसे भी उन्होंने सिलेबस डाल रखा उसके अकॉर्डिंग आप जाके तैयारी कर लीजिए। ये तो होगी अपनी बात, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका क्या हो, चयन हो। अब दूसरी बात हमारे पास में आती है अध्याय दो, यानी कि हमारे पास में जो यूनिट आ रही है ये कहाँ से पढ़ूँ। ये जो लाभ और हानि वाला टॉपिक है आपको 11th क्लास में प्लस 12th क्लास में दे रखा है, यानी कि लाभ और हानि आपको 11th 12th अगर पढ़ना चाहो तो ठीक, अगर नहीं पढ़ना है 11th 12th तो आप 8th की बुक में भी है, पर बहुत कम लेवल का है, इसलिए मैं कहूँगा कि इस टॉपिक को आप गाइड से ले सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ही कम है 11th 12th में, सॉरी उसमें 8th में, तो आप गाइड में जा सकते हैं। सजीव, देखिए सजीव छठी वाली क्लास में भी है, सजीव वाले टॉपिक, है ना। तो छठी, सातवीं और आठवीं, नवीं, दसवीं, यानी कि मैं कहूँगा ये प्रारंभिक क्लासें जो हैं उनको आप अच्छे ढंग से सजीव वाले टॉपिक देखिए। कौन कौन से? पादप के विभिन्न भाग। अगर आप 11th में हैं तो पादप के विभिन्न भाग 11th से ले सकते हैं, उसमें जड़, तना, पत्ती, मूल,
ये सब आएंगे, और ये सब मैंने लेबर असिस्टेंट में भी डाल रखा है। अगर आपके पास में लेबर असिस्टेंट वाला पूरा मेरा रिकॉर्ड है तो उसमें भी आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से ढूंढ लीजिए। अलग में इसको मैं पढ़ाऊँगा अलग से आपके लिए, है ना। पादपों में पोषण और प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें से एक प्रश्न पूछेगा, लिख के ले लो आप, 110% की मेरी गारंटी है, है ना, पूछेगा। पोषण और प्रकाश संश्लेषण में से एक प्रश्न आएगा। पादपों में श्वसन और उत्सर्जन, महत्वपूर्ण टॉपिक है, श्वसन और उत्सर्जन भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना, ये यूँ समझ लीजिए इस टॉपिक में से भी एक प्रश्न पूछ सकता है वो। पादप में जंतु, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर हमको एक पॉइंट लेना है, तो संरचना, कार्य, कोशिकांग और कोशिका विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन कौन से, पादप है, एक जंतु है और कोशिका। पादप और जंतु कोशिका मैंने आप लोगों को लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम में भी पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कहूँगा कि पादप और जंतु कोशिका वाला जो भाग है उसके लिए अलग से क्लासें होंगी, उनमें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये आप पढ़िए 9th क्लास से। 9th क्लास में बढ़िया समझा रखा है ना। 9th क्लास के साथ में आप गाइड लीजिए और उससे आपको ये यूनिट आपकी जो दूसरी है वो तीसरी है सॉरी, उसमें हम पढ़ पाएंगे और बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना। संरचना होगी, अब कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, तारक काय है, ये जो सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, कोशिकांग 9वीं क्लास के अंदर दे रखा है। इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो 11वीं क्लास की बायोलॉजी में दे रखा है, 11वीं की बायोलॉजी में दे रखा है। कोशिका विभाजन भी 11वीं बायोलॉजी में दे रखा है। नहीं कम पढ़ना है तो 9th पढ़िए, मतलब कुल मिला के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो किताब पढ़ना ही पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब आता है अगली यूनिट हमारे पास में आती है, मानव शरीर और स्वास्थ्य। मानव शरीर और स्वास्थ्य, देखिए यहाँ से रोग की प्रश्न उठते हैं, रोग जो हैं उन पे प्रश्न बहुत सारे उठेंगे, बहुत छोटे छोटे प्रश्न होंगे लेकिन वही इसी तरह के होंगे, कौन से रोगाणु हैं, कौन सा जीवाणु है, तो कुछ अच्छे से प्रश्न यहाँ से उठेंगे। और सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय है, खसरा है, और आपके डिप्थीरिया है, हैजा है, है ना। तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ पर, जो रोग है उससे बचाव जितने भी पढ़ना है आपको, तो सारे रोग पढ़ने ही हैं आपको। अब इसमें कुछ विटामिन से कमी वाले रोग भी आएंगे, संक्रामक रोग भी आएंगे, है ना, असंक्रामक रोग भी आएंगे, क्षय आएगा, हैजा है, आपके डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, खसरा है, ये सब पढ़ने हैं आपको और मैं भी पढ़ूंगा आपको। तो ये मैंने बता दिया ये टॉपिक कहाँ से आएंगे। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र एवं जनन, देखिए ये तंत्र आपको मिलेंगे 12वीं क्लास में। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो 12th क्लास की बुक उठाइए बायोलॉजी की, उसके अंदर बड़े अच्छे ढंग से समझा रखा है, पर उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी कठिन है। सरल भाषा में जाना है तो आप सीधे चले जाइए 10वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा की विज्ञान उठाइए और उसमें बहुत इजी वे में इन्होंने दे रखा है, तो मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा। ये संक्रामक रोग एक अलग से टॉपिक है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, भले वो टीबी हो और भले वो HIV/AIDS ही क्यों नहीं हो। अब यहाँ पर अलग से HIV/AIDS पढ़ने की या अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एक अच्छा टॉपिक बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद में और ये कहाँ से पढ़ेंगे, इसका मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से पढ़ना है, ये आप 9th से ले सकते हैं, 9th में रोग दे रखे हैं। और 10वीं कक्षा का पहला अध्याय उसमें से भी आपको पढ़ना होगा, वो भी एक अच्छा पॉइंट है, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। गाइड का हेल्प भी लीजिए, गाइड भी पढ़िए आप, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद में संतुलित भोजन, देखिए संतुलित भोजन आ गया बिल्कुल, 10वीं कक्षा का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय तो पढ़ना ही है, विटामिन और वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, सारे आ गए, उनके अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन, यानी 10वीं कक्षा का पहला अध्याय आपको पढ़ना है विज्ञान का, यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। साथ ही साथ में आपको अगर आपके पास में कोई अच्छी ढंग की गाइड है वो पढ़िए, और ये मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, ये सारा टॉपिक यहाँ तक मैं पढ़ूँगा। जंतु प्रजनन और किशोर अवस्था, देखिए जंतुओं की जनन की विधियाँ, ये आप बायोलॉजी जो 12वीं क्लास की बायोलॉजी है, जंतु जनन की विधियाँ 12वीं क्लास की जो बायोलॉजी है उसमें आपको पढ़ना होगा। और 12वीं क्लास का ये अध्याय है 28वां, 12वीं क्लास का अध्याय कौन सा है ये 28वां, अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो 28वां अध्याय पढ़ ले आप, 28वां है, 31वां है, 32वां है और 33वां है,
ये सब अध्याय आपके 12वीं क्लास के पढ़ने हैं, अगर आपके पास में 12वीं की बुक है तो, और नहीं है तो आप 10th क्लास का जनन तंत्र पढ़ लीजिए, उससे भी एक बार काम चल जाएगा। लेकिन और भी बेस्ट करना है तो इसके साथ में आपको गाइड मिलाना है। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ, हर चीज़ के साथ में कह रहा हूँ, गाइड में से भी पढ़ना है। अगर आपके पास में कोई अच्छी बुक है उसमें से भी पढ़ना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। जनन हार्मोन बिल्कुल आपको 12वीं क्लास में मिल जाएगा, मैंने जो बताया वही से टॉपिक है। और स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य के बारे में, ये आपको 8th क्लास में मिलेगा। जनन स्वास्थ्य वाला जो टॉपिक है वो 8th क्लास में मिल जाएगा। अगला टॉपिक आता है बल, दाब एवं गति। बल, दाब और गति आपको 9वीं में भी है, 10वीं में एक अच्छा खासा टॉपिक दे रखा बहुत बड़ा बल, दाब, गति पर। और ये आपको अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सीधा सीधा पढ़िए, 8th क्लास में भी है। अब मैं यहाँ पर आपको नहीं कहूँगा कि आप 12th क्लास को उठा के देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए क्लिष्ट हो जाएगा। इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे ढंग से विथ एग्जांपल करवाऊँगा, तो बड़े आनंद के साथ आप पढ़ पाएंगे इसको, और बहुत ही जल्दी मैं इन टॉपिक को चालू करूँगा। यहाँ पर आपको पेशीय घर्षण बल, घर्षण बल जो है वो, और गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, स्थितिक ऊर्जा बल है, ये सब अपने को पढ़ना है। गति के 4 नियम, देखिए गति के जो तीनों नियम हैं, गति के इन्होंने 4 लिखे हैं, 4 नहीं है, इसको गति के तीनों नियम को आपको पढ़ना है, और उनके नियम के साथ उनकी चाल, ऊर्जा, गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा, ये आपको 10वीं क्लास में मिलेगा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा जो है वो 10वीं कक्षा में मिल जाएगा आपको, और वहीं से आपको क्वथनांक, गलनांक, देखिए क्वथनांक और गलनांक 9वीं कक्षा का टॉपिक है। अगर आपके पास सिलेबस है तो साथ साथ मेंशन करते जाइए, 9th, जहाँ जहाँ 9th बोल रहा हूँ वहाँ वहाँ पर 9th लिख दीजिए, जहाँ जहाँ 10th बोल रहा हूँ वहाँ 10th लिख दीजिए, गाइड सबके साथ जोड़नी है ना। और चालन, संवहन और विकिरण, ये टॉपिक सारे, और मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, खैर हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। प्रकाश और ध्वनि, ये भी आपके 9वीं कक्षा में है, प्रकाश और ध्वनि बहुत अच्छा टॉपिक है, और प्रकाश और ध्वनि के साथ में प्रकाश वाला टॉपिक 10वीं कक्षा के परावर्तन अपवर्तन वाला टॉपिक भी है, 10वीं कक्षा का बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसको आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यार से उसको समझें। कुछ भी डिफिकल्टी अगर आती है तो मैंने, मेरा नंबर दिए हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को जल्दी शुरू करूँगा अगर आप मुझे कॉल भी करते हैं। और कॉल से अच्छा तो ये होगा आप मुझे कमेंट कर देंगे ये टॉपिक आप पहले ले लें, मैं आपके ऊपर ही निर्भर रहूँगा। अच्छा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी पहले एक अलग से किताब चलती थी, यानी किताब विज्ञान सेकंड भाग करके कहते थे उसको, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। अगर किसी के पास पुरानी किताब हो तो, और अगर पुरानी 9th की नहीं है कोई इशू नहीं, तो नई किताबें जो आ रही है NCERT की और RBSC की, उन दोनों में दैनिक जीवन से महत्वपूर्ण संश्लेषित, जैसे 8वीं क्लास में है ये टॉपिक, 8वीं में भी है और 10वीं में भी है। प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट, सीमेंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है सीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ से प्रश्न भी आएगा। चिकित्सा और उसके बारे में, लेजर और कंप्यूटर, इंटरनेट और वेबसाइट्स, ठीक है ये टॉपिक यहाँ से हो जाएंगे, आप एक बार इसको आप अच्छे ढंग से देख लें। पदार्थ की संरचना, अगला टॉपिक आ रहा है, पदार्थ की संरचना में तत्व यौगिक मिश्रण, 9वीं कक्षा में सीधा पढ़ लीजिए तत्व यौगिक मिश्रण, अशुद्धि, पृथक्करण, पृथक चिन्ह, 9वीं कक्षा का बहुत अच्छे ढंग से शुरुआती दौर में खोलेंगे, पहला और दूसरा चैप्टर ही आ जाएगा आपका 9वीं का। यौगिक रासायनिक सूत्र बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है उसमें, और आप बहुत प्यार से उसको समझ सकते हैं अगर परमाणु संरचना और अणु में आपको लगे तो। हाँ, लेकिन आवर्त सारणी आपको 10वीं में मिलेगी, तो वो 10वीं क्लास में लीजिए, गाइड सबके साथ है ये। रासायनिक पदार्थ आपके ऑक्सीकरण 10वीं कक्षा में है, बिल्कुल वो पढ़ना है। नाइट्रोजन का चक्र 10वीं में भी है और 9वीं वाला कुछ अंश पीछे भाग में भी है, तो 9वीं और 10वीं पढ़ लीजिएगा। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसें, ये अपन परंपरागत और गैर परंपरागत जहाँ पर पढ़ेंगे 10वीं कक्षा में, वहाँ पर भी अपने पास में है। सौर परिवार 8वीं कक्षा में, धूमकेतु 8वीं कक्षा में है, प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य और उद्देश्य 8वीं कक्षा में। फिर तो विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं, नवाचार हैं, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री हैं, और मूल्यांकन है, और विज्ञापन की समस्या, विज्ञान की समस्याएं, ये बात के टॉपिक हैं जो कि हम BEd में पढ़ते हैं। आपने BEd के अंदर ये टॉपिक पढ़े हुए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ पर क्लास में कंप्लीट करूँगा। तो ये तो थी एक प्लानिंग कि हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे और हमको क्या पढ़ना चाहिए शुरुआत दौर। अब रही बात कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी या हम कब तक चालू करेंगे। देखिए ये बात मान के चलिए कि 3rd grade वैकेंसी तो आनी है और आएगी, ऐसी परिस्थिति में तैयारी हुई तो सिलेक्शन आसान है, और नहीं हुई तो वही कहानी है ना, कि वापस पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे। तो अभी से क्यों ना आप उसको ढूंढना चालू कर दें, पढ़ना चालू कर दें बहुत अच्छे ढंग से, और अभी हमारे पास टाइम भी है, धीरे धीरे ही सही बहुत अच्छा सिलेबस कम्प्लीट कर सकते हैं आप। और शुरुआती दौर में मैंने जिस तरह से आपको बोला है, पहले उन किताबों को इकट्ठे कर लीजिए, नोट्स अगर मिलते हैं तो इकट्ठे कर लीजिए, और अगर आपके पास में नोट्स और किताबें इकट्ठी हो गई है अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट को ढूंढ लीजिए, ठीक है, नहीं मिलता है या दूर है,
ऑनलाइन ढूंढिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उस जो फ्री का डाटा है उसको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की तैयारी कीजिए। मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं विज्ञान में तो कम से कम इतना कर ही दूंगा कि आप सेलेक्ट हो सकें। दूसरी क्लासों की बात रही, मनोविज्ञान की बात रही, उनकी भी क्लास मैं इसी यूट्यूब चैनल पर लगाने का प्रयासरत हूँ। अच्छी फैकल्टी हमें अगर मिलती है तो हम लगा पाते हैं और मैं ज़रूर इस पर लगाऊंगा। आप तैयारी कीजिए। अब आप लोगों को एक सिस्टमेटिक मेंटेन करना है और जो भी पढ़ो उस चीज़ को शुरुआत से दूर से पढ़ना है। जो भी पढ़ो, आज पढ़ा कल वापस वहीं से पढ़ना है, पेज वही होने चाहिए, बार बार वहीं से पढ़िए। चाहे आपके पास 3 रजिस्टर भर जाएं, शुरुआत वहीं से कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निस्संदेह है आप रीट जैसे एग्ज़ाम में तो पास आउट हो ही सकते हैं। पूरे सिलेबस को मैंने आपके सामने समराइज करके बताया है कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से मिलेंगे अपने को। निष्कर्ष ये निकलता है कि 8वीं यानी कि 6ठी से लेकर के 12वीं तक की किताबें ना लें, 6ठी से 10वीं तक की तो बुक्स आपके पास विज्ञान की तो कम से कम होनी ही चाहिए और ये सारे टॉपिक आपको याद होने ही चाहिए जो टॉपिक आपके अंदर हैं। बात नंबर 2, साथ में अगर 11वीं और 12वीं अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे हैं तो अवश्य उठाएं। अगर आप मैथ्स के विद्यार्थी हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप 11th और 12th को उठाएं, क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ये कठिन है। अब रही बात हमारी क्लास किस प्रकार से होगी। कल से मेरी क्लास रेगुलर, अब मैं रेगुलर शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लास अनियमित होती है ना, कभी क्लास हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, ऐसी परिस्थिति बनती है। तो हम कल माने या सोमवार माने रेगुलर क्लासें होंगी। इन क्लासों में एक टॉपिक मैं क्लियर करूंगा, अगले टॉपिक के लिए मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन छोड़ जाऊंगा, उन प्रश्नों को आप क्लियर कीजिएगा और मुझे वापस उसके जवाब दीजिए। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं अपना 100% दूँ। अब आप उसे चाहे तो 0 से गुणा कर सकते हैं और चाहे तो उसे 1 से गुणा कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा भी प्रयास रहा तो मेरा प्रयास भी रंग लाएगा, और अगर आपने प्रयास नहीं किया और ये सोचा कि मैं कल पढ़ लूँगा परसों पढ़ लूँगा, ये तो अपने घर की खेती, कभी भी पढ़ सकते हैं, तो शायद तक वो बनाने वीडियो बनाने का या क्लास ऑनलाइन करने का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। आपसे यही उद्देश्य और मेरी यही उद्देश्य और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जिस दिन जो वीडियो डाला जाता है उसी दिन आप पढ़िए। सबसे बढ़िया काम एक और करना है आपको, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लाइक कीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस चैनल की लिंक को जितने भी मित्र हैं, जितने आपके बीएड कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जितने आपके सहपाठी हैं, जितने आपके बीएसटीसी करने वाले दोस्त हैं या जिस फाउंडेशन कोर्स में जहाँ पर भी टिके हुए हैं, उन लोगों के साथ इसे ज़रूर बांटिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी नहीं घटता है। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको पता नहीं हो, उन्हें पता हो, और उनके पास कोई ऐसा चैनल हो जो आपको नहीं पता हो। तो जय हिंद, जय भारत।